हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे सी पी सी नाइनटीन जीरो एट के ऑर्डर 8 रूल सिक्स के बारे में जो बात करता है सेट ऑफ़ और काउंटर क्लेम्स की तो पहले हम देखते हैं सेट ऑफ़ क्या होता है सेट ऑफ़ होता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लेम या एक क्रॉस क्लेम ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है सेट ऑफ़ उन केसेस में किया जाता है जहाँ रिकवरी ऑफ मनी के मैटर्स होंगे सेट ऑफ़ फ़ाइल होता है रिटर्न स्टेटमेंट के साथ यानी जब डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहा हो प्लेटफ के प्लेंट के रिप्लाई में तो तभी वो सेट ऑफ़ भी फाइल करेगा लाइक ए बी पे सूट फाइल करता है रिकवरी ऑफ मनी के लिए कि मेरे इतने पैसे आपके ऊपर उधार हैं तो बी ए पे वापस क्लेम कर देता है कि मेरे आप ही के पास तो मेरे इतने रुपए बाकी हैं आप पहले वो दीजिए तो ये सेट ऑफ़ हो गया सेट ऑफ़ के कुछ कंडीशंस हैं जैसे ये रिकवरी ऑफ मनी के लिए होनी चाहिए सूट जो फाइल है वो रिकवरी ऑफ मनी का होना चाहिए डिफेंडेंट ने जिस पैसे के लिए सेट ऑफ फाइल करा है वो लीगली रिकवरेबल होनी चाहिए असर्टेन सम ऑफ मनी के लिए सेट ऑफ फाइल होनी चाहिए लाइक प्रॉपर अमाउंट जैसे बीस हजार हो गए पंद्रह हजार हो गए डिफेंडेंट ये नहीं बोलेगा कि जज लम सम मेरे पास दस हज़ार रुपये बनते हैं या अराउंड कुछ दस हज़ार पंद्रह हज़ार बनते हैं ऐसा नहीं वो एक्यूरेट अमाउंट बताएगा अमाउंट बाय डिफेंडेंट या मोर देन वन डिफेंडेंट है तो सबसे रिकवरेबल होना चाहिए वो अमाउंट सेट ऑफ फाइल होनी होगी कोर्ट की पेक्यूलनरी जुरिस्डिक्शन में ओरिजिनल सूट में दोनों पार्टीज़ की पोजीशन वही होगी जो सेट ऑफ़ में फाइल होगी प्लेंटिफ प्लेंटिफ ही रहता है सेट ऑफ में भी और डिफेंडेंट uh, डिफेंडेंट ही रहता है पोजिशन चेंज नहीं होती हैं सेट ऑफ़ फाइल करने के इफ़ेक्ट्स क्या हैं अब ये सेट ऑफ वाला सूट को भी कोर्ट एज अ प्लेंट ही ट्रीट करेगी मानते हैं कि दो सूट्स हो जाते हैं फाइल एक ओरिजिनल वाला एक सेट ऑफ वाला बट उनको एक साथ ही ट्राई किया जाएगा वो एक साथ ही चलेंगे इस सेट ऑफ वाले सूट को कोई नया नंबर नहीं दिया जाता है और ये ओरिजिनल सूट के साथ ही चलता रहता है बाई अमाउंट डिक्रीड लियन पे इसका कोई असर नहीं होता है जब डिफेंडेंट ने सेट ऑफ फाइल करा है और उसके बाद अगर प्लेटिव अपने ओरिजिनल सूट को विड्रॉ कर लेता है या फिक्स डेट पे अपीयर नहीं होता है तो ये डिफेंडेंट के सेट ऑफ वाले सूट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है और यहाँ कोर्ट डिफेंडेंट के फेवर में डिग्री पास कर सकती है अब देखते हैं हम सेट ऑफ दो टाइप के होते हैं एक लीगल सेट ऑफ एक इक्विटेबल सेट ऑफ ऑर्डर एट रूल सिक्स बात करता है लीगल सेट ऑफ के बारे में लीगल सेट ऑफ होती है असर्टेन अमाउंट पे और कोर्ट बाउंड होती है इसको एंटरटेन करने के लिए और वहीं इक्विटेबल सेट ऑफ जो होती है वहाँ पे कोर्ट बाउंड नहीं होती है कि वो उसको एंटरटेन करेगी बट वो कोर्ट की डिस्क्रिशन पे होता है कि वो उसको एंटरटेन करना चाहती है या नहीं अगर कोर्ट को कोई और अमाउंट मैटर में इन्वॉल्व दिखता है जिसको उसको कंसिडर करना चाहिए और उसको ऐसा लगता है कि अगर वो उसको कंसिडर नहीं करेगा तो डिफेंडेंट के साथ कोई इनजस्टिस हो जाएगा तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन पे उसको भी कंसिडर कर सकती है अब हम एक बार शॉर्ट में डिफरेंस भी देख लेते हैं जो लीगल सेट ऑफ़ और इक्विटेबल सेट ऑफ के बीच में है तो लीगल सेट ऑफ असर्टेन अमाउंट ऑफ के लिए होनी चाहिए और वो सम ऑफ मनी लीगली रिकवरेबल होनी चाहिए जहाँ की इक्विटेबल सेट ऑफ असर्टेन नहीं होता है और इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया जहाँ कंपनसेशन असर्टेन नहीं होती है लीगल सेट ऑफ डिफेंडेंट के पास एक लीगल राइट अवेलेबल है और कोर्ट बाउंड है उसको एंटरटेन करने के लिए लेकिन इक्विटेबल सेट ऑफ के केस में ये डिफेंडेंट का राइट नहीं है बल्कि कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है लीगल सेट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन से अराइज नहीं होगी बट इक्विटेबल सेट ऑफ एक ही ट्रांजेक्शन से अराइज होनी चाहिए लीगल सेट ऑफ लीगली रिकवरेबल होनी चाहिए और टाइम बार्ड नहीं होनी चाहिए लेकिन अगर इक्विटेबल सेट ऑफ टाइम बार्ड भी है तो कोर्ट अलाउ कर देती है लीगल सेट ऑफ में कोर्ट में कोर्ट फीस सबमिट करना नेसेसरी है बट इक्विटेबल सेट ऑफ में कोर्ट में कोर्ट फीस सबमिट करना ज़रूरी नहीं है अब आ जाते हैं हम काउंटर क्लेम पे और ये डिस्कस्ड है ऑर्डर एट रूल सिक्स ए से लेके सिक्स जी के बीच में ये डिफेंडेंट के लिए एक वेपन अवेलेबल है जो प्लेटिव के अगेंस्ट वो यूज़ कर सकता है काउंटर क्लेम सी में नाइनटीन के अमेंडमेंट में एड हुआ था और ये अ टाइप ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन है वो क्लेम जिसमें एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है अगर प्लेटिव के सूट पे कोई और सूट बन रहा है तो उसको कहते हैं काउंटर क्लेम अब अगर दो नेबर्स हैं ए एंड बी एंड बी ए के अगेंस्ट सूट फाइल करता है कि ये जबरदस्ती मेरी प्रमेसिस में घुस रहा है तो ए कोर्ट ए को ऐसा करने से रोक सकती है इंजंक्शन लगा सकती है बट अगर ए ने काउंटर क्लेम कर दिया कि जिस प्रेमिस को बी बोल रहा है कि वो उसकी है वो एक्चुअली पेपर्स में मेरे प्रेमिस है मेरे अंडर है मेरे नाम पे है तो आप बी पे इंजंक्शन लगाओ बी को रोको कि वो मेरी प्रेमिस में ना आए तो यहाँ पर कोर्ट काउंटर क्लेम में बी पे इंजंक्शन लगा देती है कि वो ए की लैंड पे नहीं घुसेगा ए के एरिया में नहीं जाएगा प्लेटफ़ के पास लिबर्टी है कि वो रिटर्न स्टेटमेंट उस काउंटर क्लेम के लिए फ़ाइल करे जो डिफेंडेंट ने फाइल करी है उस लिमिटेड टाइम पीरियड में जो कोर्ट ने फिक्स करी हो ये जो काउंटर क्लेम होगा इसको एज अ प्लेंट ही ट्रीट किया जाएगा और इस पर वही रूल्स गवर्न होंगे जो एक प्लेन्ट पे लगते हैं जब कोर्ट में सूट फाइल होता है तो डिफेंडेंट को समन सेंड किया जाता है अटेंडेंस अपियरेंस के लिए फिक्स डेट पे और फिक्स जगह पे ताकि वो अपनी साइड रखे और थर्टी डेज के अंदर थ्रू अ रिटर्न स्टेटमेंट अपना पॉइंट रखे तो जब ये रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होगी तो ऑर्डर एट रूल वन में डिफेंडेंट ये काउंटर क्लेम भी फाइल कर देगा प्लेंटिफ ने अब जो सूट फाइल करा है एक इशू को लेकर और वो ऑनगोइंग है उसके लिए ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कोर्ट में तभी किसी और बात पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच फिर से डिस्प्यूट हो जाता है कोई एक नया इशू है कोई एक नया मैटर है तो जो रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंडेंट ने फाइल करी है वो उसके अंदर अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन डालेगा और जब ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट को अमेंड करेगा और ये नए मैटर को एज अ काउंटर क्लेम उसमें डाल देगा तो जिस मैटर पे काउंटर क्लेम फाइल किया जा सकता है या तो वो मैटर सूट इंस्टीट्यूट होने से पहले भी हो सकता है अकर या तो फिर सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद भी अकर हो सकता है तो डिफेंडेंट उस मैटर को अमेंडमेंट के थ्रू अपने रिटर्न स्टेटमेंट में फ़ाइल कर देगा अगर बाद में हुआ है तो ऑर्डर एट रूल नाइन कहता है कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के बाद अगर डिफेंडेंट प्लीट करना चाहता है तो वो काउंटर क्लेम फाइल कर सकता है अब काउंटर क्लेम तो डिफेंडेंट ही फाइल करता है को डिफेंडेंट के अगेंस्ट काउंटर क्लेम नहीं फाइल होती है लेकिन प्लेंटिव और डिफेंडेंट किसी मैटर पे अटैच्ड है तो फिर उसके अगेंस्ट काउंटर क्लेम फाइल किया जा सकता है काउंटर क्लेम के इफेक्ट्स को देखते हैं तो इस हमने पहले ही कहा है कि इसको एज अ प्लेंट ही ट्रीट किया जाता है सिमिलर वे में और प्लेंट के रूल्स इसको गवर्न करेंगे क्योंकि इसको डिफेंडेंट की साइड से प्लेंट माना जाएगा और काउंटर क्लेम के केस में जो ओरिजिनल सूट में प्लेंटिफ होगा वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा और इसने जो काउंटर क्लेम में रिटन स्टेटमेंट दी है उस पे सारे रिटन स्टेटमेंट्स वाले रूल्स लगने लगेंगे डिस्पाइट कि वो ओरिजिनल सूट में एक प्लेंटिफ था कोर्ट अब इन दोनों मैटर्स को देखने के बाद अपनी फाइनल जजमेंट पास करेगी काउंटर क्लेम अगर डिफेंडेंट फाइल करता है और उसके बाद प्लेंटिफ ने कोर्ट में आना ही छोड़ दिया वो अब अपीयर ही नहीं हो रहा है या वो रिटर्न विड्रॉ करना चाहता है या सू डिसमिस होती है या फिर स्टे हो गया है तो इसके काउंटर क्लेम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा काउंटर क्लेम वाला सूट नहीं रुकेगा और इस काउंटर क्लेम वाले सूट पे कोर्ट अपनी जजमेंट पास करेगी ही करेगी और अगर प्लेंटिफ अपीयर नहीं हो रहा है तो जजमेंट उसके अगेंस्ट में भी जा सकता है अब हम एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ मेयर डिफरेंसेस देख लेते हैं जो सेट ऑफ़ और काउंटर क्लेम के बीच में है तो सेट ऑफ़ एक स्टैट्यूटरी डिफेंस है प्लेटिव के एक्शन का मतलब एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जहाँ की ये काउंटर क्लेम एक क्रॉस एक्शन है और इसमें प्लेंटिव से ना सिर्फ बचा जा सकता है बल्कि उस पर एलिगेशन भी लगाया जाता है और उसके अगेंस्ट एक्शंस भी लिया जा सकता है सेट ऑफ में असर्टेन सम ऑफ़ मनी होने चाहिए लेकिन काउंटर क्लेम किसी भी एक्शन के लिए किया जा सकता है सेट ऑफ अराइज होगी सेम ट्रांजैक्शन से बट काउंटर क्लेम ज़रूरी नहीं है सेम ट्रांजैक्शन से अराइज़ हो सेट ऑफ एक ग्राउंड ऑफ डिफेंस है और लीगल सेट ऑफ में अमाउंट रिकवरेबल होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ सूट लेकिन काउंटर क्लेम के केस में जिस मैटर पे काउंटर क्लेम फाइल किया जा रहा है वो रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करते वक्त रिकवरेबल होनी चाहिए सेट ऑफ में जो रिकवरेबल अमाउंट है उतने अमाउंट को क्लेम किया जाता है बट अगर उससे ज्यादा अमाउंट क्लेम किया जा रहा है तो वो काउंटर क्लेम हो जाता है